कहता है कि वैसे तो कोई गुण नहीं है मेरे अंदर, अब गुणों का भंडार हूं मैं, पर ये मेरा पहला जन्म नहीं है, न जाने कितने जन्मों से मैं भटक रहा हूं और आपकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाया, पर मैं चाहता हूं कि इस जन्म में आपकी कृपा जरूर प्राप्त हो। और राधा रानी से कहता है क्या, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, अब की बारी बता दीजिए, अब की बारी बता दीजिए, राधा रानी के बाद राधा रानी कृपा कीजिए, हे महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। तो राधा रानी कहती हैं कि चलो मैं कर ही दूं कृपा, लेकिन अगर मैं आ जाऊं तो तू मुझे रखेगा कहाँ, बैठाएगा कहाँ, क्योंकि मैं बरसाना छोड़ के कहीं नहीं जाती, बरसाना मेरा घर है और ब्रज मेरा हृदय, और मैं अपने हृदय से बाहर कभी नहीं जाती हूँ। तो भक्त कहता है, बड़े सुंदर भाव है क्या, पलकों के सिंहासन पर मैं तुमको बिठाऊंगा, पलकों के सिंहासन पर मैं तुमको बिठाऊंगा, इस मन के मंदिर में बरसान बनाया है, मन के मंदिर में बरसान बनाया है, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा महारानी। और लास्ट में भक्त कहता है कि हे राधा रानी, इस दास की बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि इसकी मांगें कभी पूरी नहीं हो सकती, तो इसकी बातों पर ध्यान मत देना आप। और कहता है राधा रानी से, और राधा रानी से कहता है क्या,
हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, जो भी मन में है वो कीजिए, जो भी मन में है वो कीजिए, राधा रानी के पास राधा रानी कृपा।